हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मशी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कल है रमज़ान का पहला रोज़ा, आज है चांद रात। मुझे लग रहा था कि जुम्मे को होगी, मतलब जुम्मे को हुआ पहला रोज़ा, पर जुम्मे को नहीं है, जुमेरात को है पहला रोज़ा। और बस मैंने अभी अपना सूट निकाला है और सुबह हुई थी बहुत ही प्यारी बारिश, और उसके बाद मौसम इतना खूबसूरत हो गया, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है और बहुत प्यारी हवा चल रही है। तो ये बस अल्लाह की रहमत है कि रमज़ान का पहला रोज़ा शुरू होने वाला है और मौसम कितना खूबसूरत हो गया। बस पूरा रमज़ान ऐसे ही रहे मौसम, तो रोज़े अच्छे गुजर जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी चांद रात के लिए अपना सूट निकाला है और मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और पिज़्ज़ा भी बेक होने रखा है मैंने। ठीक है, तो चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा हमारा बेक हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूँ, रोज़ा होना तो था जुम्मे को, पर हो गया जुमेरात को। 10:30 बजे ऐलान कर दिया कि आज रोज़ा है, अब मुझे जल्दी जल्दी तैयारी करनी थी। चांद रात भी नहीं कर पाए सेलिब्रेट, और जो मैंने सोचा था कि अच्छे से ड्रेस पहन के और चांद रात मनाएंगे, पर वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो अभी बज रहे हैं रात के 2, और सहरी के लिए हम उठ गए हैं। आप सहरी बनाएंगे और सहरी में आपसे मिलते हैं। ओके, जी दोस्तों, तो पहला रोज़ा आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। तो सोकर हम लोग उठ गए हैं और बस अब नमाज़ की तैयारी करेंगे। जैसे सुबह उठे तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। पहले रोज़े पे बारिश बहुत ज़्यादा मुबारक होती है माशाल्लाह। तो आप लोग इस महीने में बहुत ज़्यादा इबादत करें, अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। ठीक है, तो मैंने भी जान नमाज़ उठा ली है और सेट फॉर नमाज़, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली है और अब आ रही है कुरान शरीफ पढ़ने की। कुरान शरीफ पढ़ना भी इतना ही ज़रूरी है जितनी बाकी इबादत। कुरान शरीफ पढ़ने से बहुत सारी नेकियाँ मिलती हैं, आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और रमज़ान में तो अगर आप एक नेकी करेंगे तो उसका 70 गुना आपको सवाब मिलेगा। तो ये मेरा कुरान शरीफ है और ये मायनों वाला कुरान शरीफ है, जिसकी एक तरफ अरबी लिखी है और एक तरफ उसका तर्जुमा लिखा है। ये कुरान शरीफ पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं, इससे आपको पता चलता है कुरान शरीफ हमसे क्या कहता है। यहाँ पर पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। और ये समोसे की फीलिंग कीमे वाली बना के रखी थी मैंने, ये समोसे, और ये समोसे भी हमारे फ्राई हो गए। सब लुक्स सो यम्मी। और ये आलू वाले पकोड़े भी बन गए, बहुत गर्म है। सब कुछ रेडी हो रहा है, सारी का मेरे मुँह में अभी से देख देख के पानी आ रहा है। और क्या करें, हमें तो वेट करना पड़ेगा, वेट करेंगे, अजान होगी अब फिर करेंगे सारी। ये दोस्तों, तो कैसा जा रहा है आप लोगों का रोज़ा? सारी की तैयारियाँ भरपूर जोरों शोर से जारी हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं, ये समोसों की फीलिंग है, और ये समोसे बन चुके हैं और आलू के पकोड़े भी यहाँ बन चुके हैं। बस अब वेट है तो बस अजान का, अजान जल्दी से हो जाए तो हम लोग खा लें सब जल्दी जल्दी। इफ्तार की टेबल लगना शुरू हो गई है। ये है छोले, ये है पकोड़े, और क्या क्या है इसमें, पापड़ हैं, पकोड़े हैं। ये कहीं से हमें इफ्तारी आई थी। ठीक है, हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं जो इफ्तारी भेजते हैं। ये हमने पकोड़े बनाए हैं, और पकोड़े बोल रही हूँ मैं, ये समोसे हैं, ये पकोड़े हैं, ये छोले हैं। अभी और भी चीज़ें ला के रखते हैं हम और फिर आपको दिखाते हैं। ओके जी दोस्तों, तो इफ्तार की टेबल हमारी लग चुकी है। समोसे, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, खजूर शरबत और छोले और पिज़्ज़ा। देख,
फ्रेंड्स, इफ्तारी हो गई है हमारे, मगर पे नमाज से पढ़ लिया हमने। उम्मीद है कि आपको आज का फर्स्ट सहरी और रोज़े का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे अच्छे न्यू ब्लॉग्स मिलते रहें। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।